हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से क्रिकेट के मिक्सचर शो में स्वागत है। गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के T20 क्रिकेट यात्रा के बारे में। गाइस, तो आपको बता दूं कि रिजवान का पूरा नाम मोहम्मद रिजवान है। गाइस, आपको यह भी बता दूं कि मोहम्मद रिजवान का जन्म 1 जून 1992 को पाकिस्तान के पेशावर के खैबर पख्तूनवा में जन्म हुआ है मोहम्मद रिजवान का। गाइस आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान अभी मात्र 30 साल के हैं और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। गाइस, तो आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान राइट हैंडेड बल्लेबाज और फील्डिंग में विकेट कीपर बल्लेबाजी करते हैं। गाइस, आपको यह भी बता दूं कि मोहम्मद रिजवान को टीम में एज अ ओपनर बल्लेबाज के रूप में खिलाया जाता है। गाइस, तो आप बात करते हैं मोहम्मद रिजवान अभी तक किस टीम के लिए खेले, किस किस टीम के लिए खेल चुके हैं, ये सब बात करते हैं। गाइस, तो आपको बता दूं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए खेले, कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं, खैबर पख्तून फाइटर्स के लिए भी खेले हैं। गाइस, आपको ये बता दूं मुल्तान सुल्तान का प्रेजेंट में कैप्टन है, फाइनल में जाके PSL के हार चुके हैं फाइनल। गाइस, तो साथ में यह भी बता दूं कि अभी पाकिस्तान ए के लिए खेल चुके हैं, पाकिस्तान इमेजिंग टीम्स के लिए भी खेले, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेले हैं। साथ में यह भी बता दूं कि सुई नॉर्थन गैस पाइपलाइन के लिए भी खेले हैं, फाटा रीजन के लिए भी खेले हैं, खैबर पाकिस्तान के लिए भी खेले, लाहौर क्रंदर्स के लिए भी खेले, नॉर्थ वेस्टर्न 14 प्रोविंस बलूचिस्तान के लिए भी खेले, पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर 11 के लिए भी खेले, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेले और पेशावर के लिए भी खेले और बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर के लिए भी खेल चुके हैं। गाइस, तो आप बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के T20 बैटिंग के बारे में, कैसा बैटिंग है, कैसे बल्लेबाजी करते हैं, किस टाइप के बल्लेबाज, इसके बारे में बताने वाले हैं। गाइस, तो आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाजी, ऐसे बल्लेबाज जो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में 2001 साल में 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाजी बने हैं। गाइस, तो आपको बता दूं मोहम्मद रिजवान ने T20 इंटरनेशनल मैच के 57 मैच के 46 इनिंग में 12 बार नॉट आउट रहते हुए 1705 रन्स बनाए हैं। गाइस, आपको साथ में यह भी बता दूं कि हाईएस्ट स्कोर 104 रन रहा रिजवान का और बैटिंग एवरेज तो काफ़ी अच्छा है, 50.14 का, जो कि काफ़ी अच्छा एवरेज माना जाता है, विराट कोहली के आसपास का इनका बैटिंग एवरेज है। गाइस, साथ में यह भी बता दूं कि मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 128 का रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है ओपनिंग का। गाइस, तो आपको बता दूं मोहम्मद रिजवान काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज जो एक बार क्रीज पर रुक गए तो कोई भी टीम को हरा सकती है, इस तरह के बल्लेबाज है। गाइस, अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी गलती हुआ माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।